जय हिंद एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब यूट्यूब चैनल। तो GDS यानी ग्रामीण डाक सेवक 2023 में जो भी कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप किए थे, आप लोग जानते हो कि सेकंड लिस्ट भी निकल गया कुछ दिन पहले और अभी जो है थर्ड लिस्ट निकल गया। तो इस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट का नाम आएगा उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट का भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट का इस थर्ड लिस्ट में नाम आया है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर सकते हैं जो डेट यहाँ पे बोला गया है। तो इस वीडियो में पूरा जानकारी आपको मिल जाएगा। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहे और बिना स्किप के, ठीक है। लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब और कोर्स के रिलेटेड वीडियो का अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को होमपेज में विजिट कर सकते हैं। अगर चैनल में नया है तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। तो इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस लिंक पे जैसे क्लिक करेंगे आप लोग इस होम पेज में आ जाएंगे। GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट यहाँ पे देख सकते हैं, कुछ इस तरह होम पेज है। तो आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है। तो जैसे क्लिक करेंगे आपका स्टेट, जो भी स्टेट से आप लोग अप्लाई किए, तो मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे वेस्ट बंगाल दिखाता हूँ। तो वेस्ट बंगाल तो आप लोग अगर जो स्टेट होंगे वो क्लिक कीजिएगा जिसमें अप्लाई किए थे आप लोग एक्चुअली। तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सप्लीमेंट्री लिस्ट 3 पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे क्लिक करेंगे PDF डाउनलोड हो जाएगा लिस्ट का। तो मैंने एक बार पहले डाउनलोड कर लिया था, फिर से एक बार कर रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह थर्ड लिस्ट जो है डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, GDS ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 1 जनवरी 2023 जो रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन था वो ये था, जनवरी 2023 में निकला था। और वेस्ट बंगाल सर्कल लिस्ट 3 यानी कि थर्ड लिस्ट ही है। और इस लिस्ट में जो भी कैंडिडेट का नाम आया है उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो डेट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। और जो लास्ट डेट है वो है 22 मई 2023 से पहले आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है। कहाँ पे जाके कर लेना है, यहाँ पे राइट की तरफ जो डॉक्यूमेंट्स टू बी वेरीफाई विथ, यहाँ पे जो देख रहे हैं जो एड्रेस, जो भी कैंडिडेट का नाम आएगा उसी जैसे उसका एड्रेस भी यहाँ पे दिया गया है। तो उस एड्रेस पे जाके आपका सारा कुछ ओरिजिनल पर फोटो कापी लेके जाके आपको वेरीफिकेशन कर लेना है 22 मई 2023 के पहले तक। अगर नहीं करते हैं तो आपका जो है लिस्ट में नाम आया लेकिन वो रिजेक्ट हो जाएगा, बाद में जाके आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो रहे कट ऑफ के बाद, तो यहाँ पे मैं अगर एकदम नीचे तक चला जाऊँ टोटल इस लिस्ट में कितना कैंडिडेट का नाम है, 463 OBC SC ST और जनरल कैंडिडेट को मिला के। तो लास्ट में मैं जनरल कैंडिडेट का जो देख सकता हूँ परसेंटेज 97.2857% उत्तर दिनाजपुर डिवीज़न में आया है। तो देखिए 97% जनरल कैंडिडेट का, सोचिए कितना कंपटीशन है। और SC ST का आया है 96 दिख रहा हूँ ज़्यादातर SC, और कई कई अनरिजर्व कैंडिडेट का 96.42 भी आया है। अलग अलग डिवीज़न वाइज कट ऑफ वेरी करता है, जहाँ पे ज़्यादा अप्लाई होता है लेकिन वैकेंसी कम है तो वहाँ पे थोड़ा कट ऑफ हाई जाएगा। अगर लेकिन अप्लाई भी कम होता है जिस डिवीज़न में लेकिन वैकेंसी भी ज़्यादा है तो कट ऑफ थोड़ा नीचे जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो कहीं पे OBC का 93 भी आया है, 72 भी आया है, PWD का देख सकते हैं यहाँ पे, ST का देखिए 93.1% आया है यहाँ पे सिक्किम डिवीज़न वेस्ट बंगाल में। तो ऐसा करके आप लोगों को अगर अच्छे अच्छे चूज़ किए थे हो सकता है आप लोगों का। EWS का भी देखिए 92% आया है। तो आपको लिस्ट यहाँ पे चेक कर लेना है। और SC का यहाँ पे देखिए पुरुलिया डिवीज़न में देखिए कितना है, 90.4% आया है। तो ऐसे करके आप लोगों को डिवीज़न चूज़ करना था अच्छे से ताकि आपका सिलेक्शन का चांस ज़्यादा हो, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल के साथ बने रहे। और हाँ, जो भी कैंडिडेट का नाम आया है इस लिस्ट में तो वो 22 मई 2023 से पहले ज़रूर वेरिफिकेशन कर लीजिएगा। जो भी यहाँ पे हेड ऑफिस का नाम दिया गया है राइट के तरफ लिस्ट के यहाँ पे, इधर मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे रेड मार करके, तो यहाँ पे जाके वेरिफिकेशन कर लेना है 22 मई 2023 से पहले। तो ये वीडियो में एक अपडेट था छोटा सा, आगे के लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय फ्रेंड्स।